Hello everyone, I hope you guys are doing well, very well. First of all, I want to say you guys a very very big thank you. मेरा ये आज सातवां दिन है डेली व्लॉगिंग का और आप लोग मेरे हर व्लॉग पे प्यार दिखा रहे हो. थैंक यू सो मच फॉर दैट. आई होप कि मैं आगे भी इस तरह से डेली व्लॉग करता रहूं. और या सो रिसेंटली मैंने एक बुक में आर्ट से रिलेटेड कुछ लॉज पढ़े थे. लॉज ऑफ आर्ट, तीन लॉज, जिस तरह से न्यूटन के लॉ होते हैं ना तीन, उस तरह से मैंने आर्ट के लॉज पढ़े. अब ये लॉज ऐसे नहीं है कि जिस तरह से न्यूटन के लॉज काम करते हैं कि भाई पूरी दुनिया इन तीन लॉज के अराउंड ही चलती है. ये बेसिकली एक बुक में किसी एक बंदे ने अपनी सोच के मुताबिक लॉज लिखे थे. तो जब मैंने इन लॉज को पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये लॉज आप लोगों को बताने चाहिए. जितने भी आर्टिस्ट होंगे उनको ये पता होना चाहिए और जिन लोगों ने भी स्टार्ट करना है आर्ट को, वो इन लॉज को समझते हुए, दिमाग में रखते हुए यूज़ कर सकें. तो लॉ नंबर वन. अच्छा, तो पहला लॉ है क्रिएट. क्रिएट, सिंपली क्रिएट, यानी कि अगर आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊँ तो सिंपली स्टार्ट, शुरू करो. पेंसिल पकड़ो, पेपर पकड़ो, बस शुरू हो जाओ. अगर आपको स्टील फिगर्स नहीं बनानी, आप पोर्ट्रेट बनाओ. पोर्ट्रेट नहीं बनाने, लैंडस्केप बनाओ. लैंडस्केप नहीं बनाने, आप सिंपली स्केचेस बनाओ. बट इन सिंपल वर्ड, सिंपली स्टार्ट एंड क्रिएट. अब क्रिएट करने से क्या होगा कि लाइक बहुत से बहुत क्या ही हो जाएगा. हम लोग ना बहुत ज़्यादा डरते हैं कि ना किसी चीज़ को शुरू करने से. और यकीन मानो, जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है वो है, होती है किसी चीज़ को शुरू करना. किसी चीज़ को शुरू करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है. और एक बार अगर हमें शुरू कर दिया, आपका उसमें फ्लो बन गया, तो वो दुनिया का सबसे आसान काम होता है. और बहुत से बहुत क्या होगा कि आप उसमें फ़ेल हो जाओगे. दोबारा करो. एक ड्राइंग बनाइए, एक पोर्ट्रेट बनाइए, अच्छा नहीं बना, दोबारा बनाओ. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो करो ना यार, तो करना. पहला लॉ क्या है? क्रिएट. लॉ नंबर टू, क्रिएट अगेन. कुछ भी क्रिएट कर रहे हो उसको दोबारा बनाओ. जो मैंने पिछली उसमें बात की थी कि एक चीज़ सही नहीं बनी, बहुत से बहुत क्या होगा कि आप वो चीज़ सही नहीं बनी ना, बहुत से बहुत क्या होगा, आपने उस चीज़ से पहली चीज़ से सीखा होगा, एक्सपीरियंस हुआ होगा, उसको दोबारा बनाओ. और अगर वो भी चीज़ सही नहीं बनती, उसको दोबारा बनाओ. क्रिएट अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन अगेन. इसी तरह ही आप आर्ट को सीखोगे. आर्ट, अगर आर्ट की बात ना भी करें तो आप दुनिया में कोई भी काम आप जो करना चाहते हो, उसको सीखना चाहते हो, उसको एक बार ही करो, उसको फिर दोबारा करो, फिर दोबारा करो. इसी तरीके से आप उसमें बेहतर बनोगे. हेलो चिच्चू, ए कचा कचा मानो. तीसरा लॉ है, द लॉ नंबर थ्री इज जस्ट क्रिएट. सिर्फ क्रिएट करो आर्ट, क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बहुत कम वक्त के लिए सीखो और उसको बहुत कम वक्त के लिए अप्लाई करो. यानी मिसाल के तौर पे अगर आपने एनसी आना, तो सिर्फ एनसी आने के लिए आर्ट ना सीखो. आर्ट सिर्फ एनसी आने के लिए नहीं है. आर्ट एक सुकून है जो बंदा अपने लिए करता है, अपनी मेंटल पीस के लिए करता है. तो सिंपली जस्ट क्रिएट. पहला लॉ था क्रिएट, दूसरा लॉ था क्रिएट अगेन, तीसरा लॉ है जस्ट क्रिएट. सिंपली, बहुत सिंपल है किसी भी चीज़ को सीखना या किसी भी आर्ट को सीखना. आप जितना उस आर्ट में, जितना उस अपने पैशन में काम लगाओगे, ध्यान लगाओगे, आप उतना ही उस चीज़ में बेहतर होगे और आप अपना नाम बना पाओगे. दैट्स इट. उसे बहुत से लोग पूछते हैं कि हम आर्ट को किस तरह से शुरू करें, हम फिल्म मेकिंग को किस तरह से शुरू करें, हम एडिटिंग को किस तरह से शुरू करें. उसका सिर्फ सिंपली ये तीन लॉज हैं. अप्लाई दीज लॉज इन योर लाइफ अगर आप आर्ट को सीखना चाहते हैं या दुनिया की किसी भी चीज़ को. सो या अम्मी काफ़ी हैं भैया, हमें तो अम्मी काफ़ी है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है और बच्चियों की. जी भी कितनी गलत बात है. मैडम, आप 6 बजे ड्रामा की क्लास लेने आई थी. हाँ, नहीं, मैं एडमिशन कराने आई थी ड्रामा का. अभी अंकल मुझे ना मुड़ के देखेंगे और मेरा कैरेक्टर असैसिनेट करेंगे. जी, ये कैरेक्टर असैसिनेट का क्या मतलब यार?
एक तो ये लड़कियों के ना इतनी मुश्किल मुश्किल वर्ड्स बोल देती हैं, आधा घंटा तो यही हमें ढूंढने में लग जाता है। हमें नहीं पता, हम पहले गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं वर्ड का मतलब क्या है। वैसे आपस की बात है, सनसेट बहुत खूबसूरत है। यस, ये जगह बड़ी यार, यहाँ पे कोई आइडिया सोच लो। अबे सिगरेट्स आफ्टर डैश का गाना लगाओ। जी थैंक यू, भाई का। अच्छा ये यार।